वर्ल्ड सारे कंट्री जैसे आपकी ओलंपिक्स होती है स्पोर्ट्स वगैरह गेम्स में होती है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ एरिया हमने चूज कर रखे हैं सारे वर्ल्ड के स्किल के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन और कंपटीशन एक प्लेटफॉर्म में होती है उसके लिए काफ़ी मेहनत किया हुआ है उस स्टैंडर्ड कोर्स स्टैंडर्ड करिकुलम स्टैंडर्ड जॉब रोल को लेके हमने वर्ल्ड के ऊपर कंपटीशन करके ये देखना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री स्किल में कौन सी चीज़ में कितने आगे है एक चीज़ ये होता है कि हम जब बाहर जाते हैं ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके रूल रेगुलेशन समझते हैं अपनी स्टैंडर्ड थोड़ी ऊपर उठ जाती है बिकॉज ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो इटसेल्फ हमारे इंडियन स्टैंडर्ड से थोड़ी ऊपर है तो इससे हमारे को थोड़ी यूथ को या इवन हमारे इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग फैटर्निटी को सबको ये थोड़ा बुद्धि मिलता है हमने कई जगह में देखा ये वर्ल्ड स्किल के स्टैंडर्ड इतने अच्छे होते हैं कि जो वर्ल्ड स्किल में अच्छा काम कर जाता है वो एक्चुअल काम में कभी पीछे नहीं रहता है एक आदमी मेडल जीतता है कि नहीं जीतता सब इम्पोर्टेंट नहीं है इफ ही परफॉर्म्स अप टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लाइक 60% और 70% से ऊपर हम उनको एनकरेज करना चाहते हैं हमारे कंट्री के जो भी चैंपियन हो जो भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा उसको हम कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में गारंटेड नौकरी खुद देंगे कौशल भारत